Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Nayab Speaks. So today's topic is the things you must know before getting into web development field. So aajkal aap jitne bhi log hain maine dekha hai wo log even they are not experts or they are not related to the computer science field or an IT field but they want to get into the web development field par wo log phir confuse ho jate hain ki un logon ko karna kya hai aakhir ki shuruaat kahan se karni hai कौन कौन से जो है ना टेक्स्ट एडिटर्स इंस्टॉल करने हैं सोर्सेज क्या होती हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए फ्रंट एंड क्या होता है बैक एंड क्या होता है इन सब के बारे में उनको जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं होती बिकॉज दे आर बिगिनर्स सो मैं आज उन सबको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ जो उन लोगों के लिए यूज़फुल होंगी सो स्टे ट्यून्ड सो पहली बात ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि वेब डेवलपमेंट इज़ एन अनदर थिंग वेब डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूज फील्ड सो वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए पहले आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी होगी ठीक है तो वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है पहले आपको ये जानना ज़रूरी है वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग जस्ट डिज़ाइनिंग करते हैं कि हमारा जो यूज़र इंटरफेस है जो हमारी वेबसाइट है वो हम लोग यूज़र्स को किस तरह से शो होगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फेसबुक लॉगिन करते हो इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो ट्विटर पे जाते हैं एंड काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं अमेज़ॉन हो गया दराज हो गया आप लोग जाते हो वो उनका इंटरफेस जो आपको दिखता है वो होता है वेब डिज़ाइनिंग ठीक है वो वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू हम लोग बनाते हैं सो वेब डिज़ाइनिंग इज़ एन अनदर थिंग डेवलपमेंट इज़ एन अनदर थिंग सो वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं जस्ट एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि हमारी वेबसाइट ऐसे शो होगी हमारे जो है ना यूज़र्स को सो वेब डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड में आती है फ्रंट एंड क्या होता है यही बात हो गई वेब डिज़ाइनिंग की फ्रंट एंड डेवलपर हम लोग कहते हैं ना कि आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर सो फ्रंट एंड डेवलपर इज़ नॉट अ वेब डेवलपर ठीक है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है फ्रंट एंड डेवलपर इज़ जस्ट अ डेवलपर हु डिज़ाइंस द वेबसाइट और वेब डेवलपर इज़ अ डेवलपर जो कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन भी करता है और बैक एंड की कोडिंग भी करता है लाइक जो दोनों काम कर लेता है ठीक है तो पहले आप डिज़ाइन डिसाइड करें कि आप लोगों को बनना क्या है डिज़ाइनर और डेवलपर सो डेवलपर बनने के लिए भी आप लोगों को पहले डिज़ाइनर बनना होगा ठीक है तो फ्रंट एंड में कौन कौन से लैंग्वेजेस आ जाती हैं HTML आ गया CSS जावास्क्रिप्ट बैक एंड के लिए भी यूज़ होती है और फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होती है एंड बूटस्ट्रैप ठीक है ये चार लैंग्वेजेस हैं और jQuery ये चार पांच लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग करने के लिए सो सबसे पहले आप लोगों को HTML से स्टार्ट लेना है ठीक है ये नहीं कि एक ही साथ में आप लोग तीनों सीख रहे हो ऐसा नहीं होता पहले आप HTML सीखो पूरा कोर्स जो है ना HTML का देखें टाइम दें प्रॉपर टाइमिंग दें HTML को देन आप जाएँ CSS पे जाकर दोनों को लाइक प्रैक्टिस करें HTML की भी और CSS की भी उसके बाद बूटस्ट्रैप देन जावास्क्रिप्ट एंड jQuery एंड ऑल दैट ठीक है ये सब जो है ना आप लोगों को करने के लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए होगा ठीक है ऐसे नहीं कि आप लोग बस एक मंथ में ही कह दो कि मुझे बस एक मंथ में ही डिज़ाइनर बनना है कैसे भी करके मैं रोज़ ये सीखूंगा ये ऐसा नहीं होता इवन आई गिव माई 8 hours ऑफ टाइम टू लर्निंग सो मैं डेली के 8 घंटे जो है ना अपने लैपटॉप पे सीखती हूँ बट वो मैं एक ही चीज़ सीखती हूँ ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पे जंप कर दूँ तीसरे पे जंप कर दूँ ऐसे होगा तो मैंने जो पहली चीज़ सीखी होगी ना वो ऐसे ही चली जाएगी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं होंगी पहले आप HTML सीखो उसमें आप प्रोफेशनल बन जाओ आपको लगे कि आप कैपेबल हो कि अब ये आपको फॉरएवर आ जाएगी कि आपको बाद में पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैंने HTML में क्या सीखा था ये कैसे होता है तो ये तो रट्टा हो गया ना जस्ट उस वक्त तक का आपको याद है फिर आप भूल जाते हो तो ये नहीं होता आप लोगों को डिज़ाइनर बनने के लिए भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने के लिए भी काम करना पड़ता है समझ आ रही है आपको बात तो इसलिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ फ्रंट एंड एंड बैक एंड का अब ये देखें एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड का जो है ना मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फ्रंट एंड क्या होता है हम लोग किसी उसमें जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑर्डर कर लिया वेटर को कहा कि हमने ये ऑर्डर किया हमें बर्गर चाहिए फ्राइज़ चाहिए पिज़्ज़ा चाहिए ऑल दैट तो वो जो जाकर उनको बताएगा शेफ़ को
कुक को कि हमें ये चाहिए। अब कुक जैसे बना रहा है, पीछे से कुक कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, ये आप लोग नहीं देख रहे। आप लोग क्या देखेंगे, जब आपके सामने वेटर जो है ना लेकर आएगा बर्गर एंड पिज्ज़ा वगैरह, तो आप लोग जस्ट फ्रंट एंड देख रहे हो, बैक एंड नहीं देख रहे कि वो किस तरह बना। सो दिस इज अ एग्जाम्पल। सो नाउ मैं आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बताऊंगी। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स डोंट इवन नो अबाउट द टेक्स्ट एडिटर्स की कौन से यूज़ करने हैं एंड कौन से नहीं। टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, जिसमें हम लोग जो है ना अपना टेक्स्ट लिखते हैं, जो कोडिंग करते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जो आज 2020 में भी नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सिंपल नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करें। लेटेस्ट वर्जन में ये देखें आप, सब्लाइम टेक्स्ट है, ब्रैकेट्स है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो है, एटॉम है, नोटपैड प्लस प्लस है। मैं खुद जो है ना यूज़ करती हूँ ब्रैकेट्स एंड सब्लाइम टेक्स्ट, सो ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सोर्सेज के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी सोर्सेज हैं जिससे हम लोग जो है ना वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आईटी के स्टूडेंट नहीं हैं और आप खुद से सीख रहे हो, तो वेल एंड गुड, इट्स बेस्ट थिंग कि आप खुद से सीख रहे हो। फिर भी आपको सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है कि हम कौन से सोर्सेज से अब अच्छा सा सीख सकते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू दिस अबाउट सोर्सेज। सो सोर्सेज काफ़ी हैं, लाइक W3 स्कूल हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका हो गया सोलो लर्न, उसके अलावा आपका हो गया उदेमी, उसके अलावा आपका हो गया खान एकेडमी, कोड स्कूल, ये सारी जो है ना सोर्सेज हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखकर आप गूगल पे सर्च करो, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप लोग सीख सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमें वहाँ पे जाकर जैसे कोड को याद नहीं करना है, हमें अपना सिंटेक्स देखना है कि सिंटेक्स क्या होता है, पहली बात ये। उसके अलावा हमें देखना है कि ये काम क्या कर रहा है, एक एक चीज़ को मतलब फोकस से देखना है कि ये काम कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और हमें प्रैक्टिस करनी है। सो आप लोग भले दिन के 12 घंटे भी जस्ट सर्फिंग करने में लगा लो कि भाई, या पढ़ने में लगा लो कि मैंने ये पढ़ा है, इस वेबसाइट से पढ़ा है, और आप लोग वो नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है, किसी भी यूज़ में नहीं आएगा आपके ये। तो प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट, ठीक है। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएटेड हूँ, एंड यू नो वॉट, व्हेन आई वॉज इन यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा सीरियसली। तो जब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने देखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा यार, मैंने अपनी फील्ड को ही ऐसे मतलब कि ज़ाया कर लिया, अपनी डिग्री को किसी यूज़ में ही नहीं ला रही मैं, तो मुझे प्रोग्रामिंग का नहीं मतलब कि ना इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं वेब में जाना चाह रही हूँ। उसके बाद आई जस्ट लाइक मैंने सर्फिंग की, सर्चिंग की, उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस की। सो यही रीज़न है कि आई एम अ फ्रीलांसर नाउ, तो मैंने ये खुद से किया है। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, इट्स एन ईजी। तो आप लोगों को किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, जीमेल आईडी में अपना जो है ना लिखती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जितनी हेल्प कर सकती हूँ तो करूँगी। सो पहली बात है प्रैक्टिस करें, कुछ भी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस में लाओ। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम करेंगे, ये आपके ही काम आएगा, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। सो आप आज ही से स्टार्ट लें, HTML से स्टार्ट लें, कोई भी मसला हो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इवन आप YouTube पे भी देख लो, अगर आपके हो उर्दू में सीखना है, हिंदी में सीखना है, इंग्लिश में सीखना है, आप लोग YouTube पे जस्ट सर्च बॉक्स में आप जाकर लिखें कि HTML ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, उर्दू और इन इंग्लिश, तो आप लोगों को सारे ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पे वो लोग आपको जो है ना, वो लोग कोडिंग करते भी जाते हैं लाइव में ही, और आप भी वहाँ पे करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, थोड़ी बहुत चेंजिंग खुद से भी करो, फिर देखो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, और देखें कि आप कैसे 3 मंथ में, मैं आपको दे कह रही हूँ, 3 मंथ्स में आप लोग वेब डिज़ाइनर बन जाओगे। सो जस्ट सिर्फ आप अपने आप को टाइम दो कि आप अपना, अगर आपका इंटरेस्ट है ना इसमें, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इंटरेस्ट है तो आप कहीं भी जा सकते हो, तो इसलिए फोकस करके अपना पढ़ो, और जो है ना कोई भी मसला हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।